बरगद के पेड़ से जुड़ी इन बातों को आप नहीं जानते होंगे। भारत में पेड़ों का बहुत महत्व है और इन्हें धर्म और दर्शन से जोड़कर देखा जाता है। पीपल को हिंदू और बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है और इसी के साथ बरगद के पेड़ को भी बहुत महत्व दिया जाता है। इसके महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि बरगद को हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया जाता है। भारतीय धर्म और दर्शन में बरगद का महत्व, अमरत्व का प्रतीक। देवी सावित्री की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जिससे उसके पति की एक बरगद के पेड़ के पास ही मृत्यु हो जाती है। वह उसके पति को ले जा रहे यमराज का पीछा करती है और अपनी जिद और सूझबूझ से अपने पति के प्राणों को वापस ले आती है। इसी घटना को याद करते हुए आज भी हजारों साल से ज्येष्ठ माह में वट सावित्री व्रत मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली और पति की दीर्घ आयु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती है और उसे धागा बांधती है। ध्यान और सन्यास का प्रतीक। भारतीय दर्शन में उन सभी चीजों का बहुत महत्व है जिनकी आयु सैकड़ों साल या हजारों साल होती है, जैसे वृक्ष, नदियाँ, भूमि, पर्वत, समुद्र आदि। इन सभी को स्थिरता, ध्यान और आध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। चिकित्सा में उपयोग। बरगद के सभी हिस्सों का आयुर्वेद में अत्यधिक औषधीय उपयोग बताया गया है। आइए बरगद से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी ली जाए। बरगद के पत्ते से उपचार। बरगद के पत्ते से बालों की समस्या का इलाज संभव है। इसके अलावा खूनी पित्त, त्वचा रोग में जुकाम व नजला, दस्त व पेचिश, खूनी बवासीर, मधुमेह, मासिक धर्म विकार व महिलाओं से संबंधित अन्य रोगों में शरीर की कमजोरी दूर करने, अनिद्रा में, घाव का इलाज में, रसौली में आग से जलने पर खुजली के इलाज में बरगद की पत्ती का इस्तेमाल करके कारगर इलाज किया जा सकता है। गंजेपन की समस्या, मधुमेह, मूत्र रोग में, मासिक धर्म विकार में बरगद की जड़ का उपयोग किया जा सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पेड़ पौधों के बारे में ऐसी ही कई रोचक और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।